हमारे साथ मौजूद है राजकुमार कराना, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं महावीर अंकले वार्ड से, पालम विधानसभा है और हाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी देके इनको नवाजा है। पालम विधानसभा का प्रभारी इनको बनाया गया है। जाहिर है पार्टी का भरोसा अगर इन पे है तब ये पद मिला है और इसके बाद जो जिम्मेवारी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। राजकुमार जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मैं ब्रेकिंग न्यूज़ और आपकी पूरी टीम का कौशिक जी धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राजकुमार जी, निगम पार्षद का पद आपके पास है, ऐसे में विधानसभा का प्रभारी आपको बनाया गया है। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, लिहाजा आपकी जिम्मेवारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं, किस तरह से देखते हैं इन नई चुनौतियों? देखिए, मैं नेत्र शीशको और सांसद रमेश बिदुड़ जी का दिल की गहराई से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी नेत्र शीश ने कहीं ना कहीं राजकुमार पर विश्वास जताया है और ये जिम्मेदारी दी है, और इन जिम्मेदारियों के बीच में जो भी कार्य आते हैं मैं इन सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा और जो पार्टी ने विश्वास जताया है उस पर खरा उतरूंगा। और 1.25 साल के बाद निगम का चुनाव है, आप स्वयं निगम पार्षद हैं, 3 वार्ड और हैं पालम विधानसभा में, ऐसे में प्रत्याशियों के चयन की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी रहेगी, उसमें भी आपकी भूमिका होगी, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या मापदंड होंगे इसके? नहीं, देखिए, प्रभारी का काम होता है कि भाई क्षेत्र में विधानसभा में देखें कहाँ कहाँ किस किस का समन्वय नहीं है, जहाँ पे मंडलों का कोई समन्वय नहीं है, निगम पार्षद मंडलों का, उनके साथ बैठ के उनका समन्वय कराना और उनके कार्य कराने, उनको मिलकर संगठन को आगे लेके चलना प्रभारी की ये जिम्मेदारी होती है। और इसके साथ कहीं ना कहीं पार्टी इसको भी लेके चलेगी कि भाई किसी में किसी तरह के मतभेद हों, वो मतभेद ना हो, उनको समतुल तरीके से किया जाए, और जो प्रभारी की जिम्मेदारियाँ रहेंगी उनमें मैं अपना बढ़ चढ़ के काम करूँगा और पार्टी को बढ़िया ही बेहतर से बेहतर काम करके दिखाऊंगा। आपके यहाँ भी कुछ एक वार्ड ऐसे हैं, अगर मैं पॉइंट आउट करूँ, साधनगर की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे तारतम्य नहीं है ना संगठन के बीच में और निगम पार्षद के बीच में, उसको किस तरह से ठीक करेंगे? देखिए, आप साधनगर की बात कर रहे हैं कि मंडल में और निगम पार्षद में तालमेल नहीं है। प्रभारी जब पार्टी बना के भेजती है तो पार्टी इसलिए बना के भेजती है कि वो उनका समन्वय कराए, उनको बैठ के बात करे। अभी तक तो आपको पता नहीं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से कहाँ से बात आ रही है, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि मंडल और निगम दोनों ठीक ही चल रहे हैं, फिर भी अगर कहीं होगा तो हम उसको ठीक करेंगे। मुझे राजकुमार जी, अगला मैं सवाल लेता हूँ, कल आपके वार्ड में कुछ हम लोगों ने सैंपल डाटा कलेक्ट किया, जनता आपके बारे में क्या सोचती है, आप जो हमारी विधायक हैं उनके बारे में जनता क्या सोचती है, काफ़ी कुछ संतुष्टिजनक उत्तर आए आपकी तरफ से, लेकिन लोगों की एक शिकायत थी कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार गलियों में नहीं आते, हालांकि जो कूड़े की गाड़ियां हैं उनका फीडबैक बड़ा अच्छा था, सभी गलियों में जाती हैं, बराबर जाती हैं, सफाई कर्मचारियों के संदर्भ में क्या उनकी संख्या आपके पास में सीमित है, अथवा क्यों रोज़ाना झाड़ू नहीं लग पाती कई जगह पर? देखिए कौशिक जी, क्या है कि अभी तक जो चल रहा था हमारे सभी वार्डों में, जो पुराने 84 में जो क्षेत्र में आरएसटी कोई थी अभी उसी पे काम चल रहा था, उसके बाद कभी अभी नई आरएसटी कोई नहीं है, जो भी नई आरएसटी कोई है उस हिसाब से, मैं महावीरिंग के लिए वार्ड की बात करता हूँ, महावीरिंग के लिए वार्ड में मेरे को 280 और 300 के बीच में हमें कर्मचारी चाहिए, और अभी मेरे पास मात्र 118 कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का उसके अंदर कमी भी है और उसका हमारे पास कमी भी है और कर्मचारी है भी नहीं, तो इसके लिए हमारे कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से बात हुई है, जोन चेयरमैन से बात हुई है, इसके लिए भी नई वैकेंसी कर रहे हैं, या जो पुराने वैकेंट पोस्ट जो आदमी डेथ कर चुके थे उनके परिवार से किसी न किसी को लेके अब इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, और भी वार्डों में कर्मचारी मिलेंगे, और जो आप बता रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं नाराज़ है भाई कर्मचारी पहुँच नहीं रहे, तो मैंने अभी आपको बताया कि पिछले 84 में जो आरएसटी हुई थी और जो अब आरएसटी है उसके अंदर कम से कम 150-200 कर्मचारी हमें और चाहिएंगे, उसके बाद वार्ड इक्वल चलेगा, और अभी जो हमारे पास कर्मचारी हैं 118 जो कर्मचारी हैं हम उन्हीं से काम कराने लग रहे हैं, कुछ बीटे ऐसी हैं जिसमें हम प्रॉपर हम रोज़ काम करा रहे हैं, कुछ जगह ऐसी है जो हफ्ते में हम वहाँ पे 3 बार कर्मचारियों को भेजते हैं। राजकुमार जी, आपके इलाके में एक बारात घर है जिसे आज से तकरीबन 4 साल पहले सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकार्पित किया, जनसमर्पित किया, आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका वहाँ पे अभाव है, ना वहाँ पे पानी है, ना सफाई होती है, ऐसे में जो इलाके के लोग हैं आसपास के वो बड़ा परेशान रहते हैं, इस संदर्भ में क्या कुछ प्रयास अब तक किए गए हैं, क्या लगता है कब तक सुचारू रूप से वो शुरू हो पाएगा, क्योंकि सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और आप भी भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद हैं, इस संदर्भ में कोई सूचना है आपके पास जो साझा करना चाहें? ऐसा है, उनके लिए हमने DDA के चीफ साहब से बात हुई है,
अभी तक वो जो बरातघर था, चीफ साहब ने ये कहा है कि सर इसके कुछ काम अभी बाकी हैं, इसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए हमने ऊपर टैंक बनवाया, उस टैंक का काम अभी कंप्लीट हुआ है, कुछ काम अभी उसमें बाकी भी है। अभी डीडीए के साथ हम तो फिर से बैठ के इसको डीडीए से लेकर किसी एनजीओ के हैंडओवर करेंगे, और कोई चीज़ प्राइवेट के हैंडओवर होने के बाद और ज़्यादा बढ़िया सुचारू रूप से चलती है। अगर ना हो पाएगा, अगर किसी आरडब्ल्यूए को या वैसे किसी एनजीओ को नहीं दे पाएंगे, तो हम इसी में बढ़ चढ़ के इसी में बढ़िया से बढ़िया हम कार्य करेंगे। राजकुमार जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ, कल से एक नया पोस्टर जो है वो जगह जगह चस्पा हुआ है, आपके इलाके में भी कई जगह लगा है, 2500 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि एसडीएमसी ने गलत तरीके से जो है एनडीएमसी से माफ़ करा लिया, उसमें कहीं कुछ कपला हो गया, भारतीय जनता पार्टी पर, नगर निगम पर, आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप है, रोजाना कई कई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, इस संदर्भ में कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ, जानकारी है क्यों नहीं, जब हम न्यूज़ देखते हैं और वैसे भी पार्टी से जुड़े हैं तो इन सब चीज़ों की अपडेट रहती है। अब केजरीवाल साहब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो हमारे मेयर स्टैंडिंग कमेटी, डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन हमारे जो सब वहाँ पे केजरीवाल साहब के घर पे बैठे हुए हैं, अब केजरीवाल जी की कहीं ना कहीं बेइज्जती महसूस हो रही है। अब केजरीवाल साहब उसको छुपाने के लिए ये 2500 करोड़ का नया फंडा निकाल के लिए आए हैं, इनके पास अभी कोई एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है और फंड दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से MCD सफ़र करने लग रही है। पर केजरीवाल साहब, आपको ये 13500 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, तभी ही आपका कुछ उद्धार हो पाएगा, अन्यथा अभी तो निगम पार्षद वहाँ बैठे हैं, आने वाले समय में हमारे जितने भी टीचर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, सब जाके उसके घर के बाहर बैठेंगे, तभी भी तो उनको पैसा देना पड़ेगा। अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो बार बार ये 2500 करोड़ का नया एक फंडा लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की नाकामियाँ भी हैं सब चीज़ें। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए पद के लिए, नई जिम्मेदारियों के लिए, आप तरक्की करते रहें, आने वाला जो निगम का चुनाव है उसमें आपकी विजय पताका एक बार पुनः फहराए। चलो, धन्यवाद सर, आपकी विशेष हैं तो हम इनको स्वीकार करते हैं, आपका और आपकी पूरी टीम का एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार खराना, भारतीय जनता पार्टी के नए प्रभारी, पालम विधानसभा के, साथ में निगम पार्षद महावीर अंकले वार्ड के, तमाम जो सवाल थे उन पर अपनी राय रखते हुए, सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।